हेलो एवरीवन, आज मैं अपने इस वीडियो में लिए चलता हूँ आपको ऑफिस 2016 के नए फीचर्स की तरफ। इसका ये नया फीचर मॉर्फिंग जिसका नाम है, जो कि पावर पॉइंट से बिलोंग करता है। चलिए खोलते हैं पावर पॉइंट 2016। ब्लैंक फाइल के साथ शुरू करेंगे, सभी टेक्स्ट बॉक्सेस को डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आपको लिए चलते हैं ये ट्रांजिशन इफेक्ट्स की तरफ, जहाँ दिखा दें आपको ये मॉर्फिंग होता कहाँ है। आप एक्सपेंड करेंगे ट्रांजिशन इफेक्ट्स को, ये रहा मॉर्फिंग। इसमें आप खुद भी सीख सकते हैं एक एक कदम दर कदम कैसे इसे अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ब्लैंक स्लाइड लेंगे, कुछ पिक्चर्स जो हमने इंटरनेट से पहले से डाउनलोड कर रखी हैं। कोशिश कीजिए कि PNG इमेजेस हों, ट्रांसपेरेंट इमेजेस होंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं यहाँ देखिए एक हटा देता हूँ, ये JPG इमेज थी। बाकी की PNG इमेज आपको बहुत ही खूबसूरत दिखाई देंगी। इनको आप अरेंज कर लीजिए एक एक करके, प्लेटफॉर्म से एक बार बाहर रख दीजिए, साइज़ छोटी कर दीजिए, इनको अरेंज करके ऑर्डर में रख लीजिए जैसा आप चाहते हैं। तो चलिए आपको अरेंज करके दिखाते हैं। इनको मैंने एक ऑर्डर में ले लिया, ये मेरा प्रेजेंटेशन का मोड है। मैंने इस स्लाइड को मॉर्फिंग अप्लाई कर दिया है, ट्रांजिशन इफेक्ट। अब इसको मैंने कॉपी करके डुप्लीकेट कर दिया है। इसके बाद आप पहली स्लाइड छोड़ दें, दूसरी स्लाइड में सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट ऑल करें और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को डिसलेक्ट कर दें और बाकी को डिलीट कर दें। अब उस ऑब्जेक्ट को आप जूम इन कर दीजिए, साइज इंक्रीज कर दीजिए, मैक्सिमम साइज आप रखना चाहते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड फिर एक छोड़ दीजिए, इससे अगली चौथी स्लाइड पर आप क्लिक करेंगे, अगला प्रोडक्ट सेलेक्ट ऑल करके आप सेकेंड नंबर के आइटम को रिलीज़ कर दीजिए जैसा कि आप देख सकते हैं, बाकी को डिलीट कर दीजिए। इसी तरीके से सेम आपको प्रोसीजर अप्लाई करना है, एक स्लाइड छोड़ के उससे अगली स्लाइड पे अगला जो हमारा आइटम है, ये जो भी पिक्चर है, ऑब्जेक्ट है, जिसको आपको इफेक्ट्स में लाना है। अभी मेरा सेकेंड आइटम था, जूम कर दिया है। इसी तरीके से मैंने फिफ्थ स्लाइड को छोड़ दिया, सिक्स को सेलेक्ट किया है। इसमें अगेन कंट्रोल ए कर दीजिए और कंट्रोल के साथ में सिर्फ नेक्स्ट ऑप्शंस को रिमूव कर दीजिए, जो भी आपको ऑर्डर देना है, जिस भी चीज़ को आपको जूम इन करना है उस स्लाइड पे, बाकी हटा दीजिए और सिर्फ एक इमेज रखने दीजिए, उसको जूम कर दीजिए जहाँ भी आपको लोकेशन देनी है। इसी तरीके से बाकी की सब भी आप देख सकते हैं, एक एक करके सेलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल बटन के साथ सिर्फ एक को डीसेलेक्ट करना है, बाकी डिलीट और जूम इन। देखते जाएंगे एक एक करके सारे के सारे जो आइटम्स है, सेलेक्ट और डी सेलेक्ट करते हुए एक स्लाइड छोड़नी है और एक पे उसे रखना है, बाकी के सारे प्रोडक्ट रिमूव करते चलना है और कुछ भी नहीं करना है। मॉर्फिंग हमने पहले से ही सेट कर दिया है, तो सभी स्लाइड्स पे ऑलरेडी मॉर्फिंग एप्लीकेशन इफेक्ट्स अप्लाई है, जो कि ट्रांजिशन इफेक्ट का पार्ट है। अभी आप देखेंगे सभी ऑब्जेक्ट्स को मैंने लास्ट स्लाइड तक कन्वर्ट कर दिया है। मैंने एक से ज़्यादा को अलग अलग करके दिखाया है, ये लास्ट स्लाइड है। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं इसको, अगर आपको कम लगे तो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं फिर से किसी भी प्रीवियस स्लाइड को, जिसमें सारे के सारे आपके आइटम्स हों। ये मैंने सभी को एटलीस्ट करके दिखाया है। फाइनली ये सब होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार चेक करने के लिए प्रेजेंटेशन मोड ऑन कर दीजिए, F5 प्रेस कीजिए और जैसे आप देखेंगे वन बाय वन ऑटोमेटिक मोड पे भी दे सकते हैं और क्लिकिंग मोड पे भी। तो देखिए बिना किसी एनिमेशन के, सिर्फ ट्रांजिशन से ही हमने हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स को एक क्रिएटिव मैनर में जूम इन जूम आउट करते हुए दिखाया है। इसका इस्तेमाल बच्चे, बड़े, प्रेजेंटर्स, कंपनीज, बिजनेस, किसी में भी काम में भी लिया जा सकता है अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ना ही कोई एनिमेशन, ना ही कोई इफेक्ट्स, ना ही कोई टाइमर, रिहर्सल, कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को सभी को एक ही स्लाइड पर रख करके अब वन बाय वन एक एक ऑब्जेक्ट को जिसको प्रेजेंट करना है उसको रखिए, बाकी को रिमूव करते चलिए, एक स्लाइड में ऑल ऑब्जेक्ट्स, एक स्लाइड में जिसको रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। बहुत ही आसान है, करके देखिए और रिप्लाई भी दीजिएगा।